जय हिंद। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जो वाहिद मल के उपचार में सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है इसके बारे में। प्रायः आप लोग जानते हैं जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनका उपयोग पेय पदार्थ जैसे विस्की, ब्रांडी, दारू, बियर इत्यादि को बनाने में किया जाता है तथा सूक्ष्म जीव जैसे ईस्ट हो गया और बैक्टीरिया हो गया, इन सभी के फ्रेगमेंशन से जो ब्रेड बनाया जाता है और अन्य प्रकार के खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जो माइक्रोब्स होते हैं सूक्ष्म जीव, उनका वाहिद मल के उपचार में कैसे उपयोग किया जाता है। तो जो वाहिद मल का उपचार किया जाता है यह प्रायः दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट, एक होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है इसे एक नाम और है इसका, जिसे बोलते हैं फिजिकल ट्रीटमेंट। फिजिकल ट्रीटमेंट में दो प्रोसेस होता है, एक होता है सेक्वेशनल और एक होता है सेडिमेंटेशन। और जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है इसका एक नाम और है जिसे बोलते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। इसमें हम लोग क्या करेंगे, बायोलॉजिकल मतलब है इसमें कुछ सूक्ष्म जीव का उपयोग करेंगे जैसे एरोबिक बैक्टीरिया और फंजाई का इसमें उपयोग किया जाता है। और इसमें फिजिकल बिना किसी भी माइक्रोब्स का यूज किए अगर हम लोग वाहिद मल का उपचार करते हैं तो उसे बोलते हैं फिजिकल ट्रीटमेंट, और बायोलॉजिकल में किसी भी हम लोग सूक्ष्म जीव का उपयोग करते हैं। तो अब आइए हम लोग वीडियो को आगे पढ़ते हैं और चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जानेंगे जो फिजिकल ट्रीटमेंट था इसमें दो प्रोसेस थे, एक था सिक्वेशनल ट्रीटमेंट, एक था सेडिमेंटेशन ट्रीटमेंट। तो सिक्वेशनल में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कई स्थानों से यहाँ पर वाहिद मल को क्या बोलते हैं, सीवेज। वाहिद मल को कई स्थानों से लेकर के आते हैं, अब इसे ले आने के पश्चात सबसे पहले फिजिकल ट्रीटमेंट से गुजारते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसे छन्नी से बने आकार पर गिराएंगे। तो इससे क्या होगा, यहाँ पर जो बड़े बड़े वस्तुएं होंगे जैसे बोतल हो गया, ईट हो गया, पत्थर हो गया इत्यादि जो बड़े बड़े पदार्थ रहेंगे सबसे ऊपर वाले छन्नी पर छन जाएंगे। फिर इसके नीचे जब ये आएगा तो जो बोतल से छोटे जो पदार्थ रहेंगे वो इस छन्नी में छन जाएंगे। फिर यहां से जब यह सीवेज नीचे आएगा तो जब इससे भी जो छोटे पदार्थ हैं जैसे कंकड़ हो गया और इससे जो मिलते जुलते पदार्थ हैं जो यहाँ पर आएंगे तो वे सभी क्या हो जाएंगे, छन जाएंगे। फिर इसके पश्चात अब सीवेज जाएगा एक स्टॉप टैंक में, जैसे मान लीजिए यह है स्टॉप टैंक, अब यहाँ पर आया तो यहाँ पर आने के पश्चात अब यहाँ पर जो अशुद्धियां मिले रहेंगे जैसे कीचड़ नुमा जो आकार रहेगा वो नीचे बैठ जाएगा, तो जिसे बोलते हैं प्राइमरी स्लज, इसे बोलेंगे प्राइमरी स्लज। और जो ऊपर लिक्विड नुमा रहेगा जो ऊपर पानी के जैसा रहेगा इसे बोलेंगे प्राइमरी इफिलुएंट, यह लिक्विड रहेगा। और जो नीचे जम जाएगा, जैसे मान लीजिए अभी कभी भी पानी में अशुद्धियां मिली रहती हैं तो जो कठोर पदार्थ होते हैं जो वजन पदार्थ होते हैं वह नीचे बैठ जाते हैं, तो ऐसे इसमें जो नीचे बैठ जाएगा इसे बोलेंगे प्राइमरी स्लज, इसे यहां से बाहर निकाल लेंगे। और यहां पर जो जल रहेगा इसे बोलेंगे प्राइमरी इफ्लुएंट, इसे यहां से बाहर निकाल करके ले जाएंगे एक हिलते हुए टैंक में। यह जो टैंक है यह कैसा है, यह हिल रहा है हिलते हुए टैंक में। अब जब हिलते हुए टैंक में इसे लेकर के जाएंगे और इसमें यहां पर एक तरफ से क्या डालेंगे, एरोबिक बैक्टीरिया व फंजाई, और एक तरफ से डालेंगे बीओडी, एक तरफ से डालेंगे बीओडी। या बीओडी क्या होता है आइए भी इसके बारे में जानेंगे। तो सर्वप्रथम पहले ये जानते हैं जो यह एरोबिक बैक्टीरिया होता है और फंजाई या जो होते हैं ये सक्रिय होते हैं ऑक्सीजन के उपस्थिति में। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन को बाहर से डाला जाता है उसे बोलते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, या फुल फॉर्म होता है बीओडी का, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो यह क्या करेगा, इसके अंदर जाएगा और यहां से जा रहे हैं फंजाई व बैक्टीरिया,
एरोबिक बैक्टीरिया। अब एरोबिक बैक्टीरिया क्या होता है, यह जो एरोबिक बैक्टीरिया है यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करेगा, तेजी से काम करेगा। यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में 40% एनर्जी को रिलीज करता है। और एक होता है एनारोबिक बैक्टीरिया, वह ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में कार्य करेगा। एनारोबिक बैक्टीरिया 7% एनर्जी को रिलीज करता है। तो जो एरोबिक बैक्टीरिया है यह 40% एनर्जी को रिलीज करता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो अब यह क्या करेगा, अब यहां पर जो वाहिकमल उपचार है इसमें कुछ कार्बनिक पदार्थ है, तो यह क्या करेगा, कार्बनिक पदार्थ को कंज्यूम कर लेगा, अवशोषित कर लेगा। अवशोषित करने के पश्चात इधर से ऑक्सीजन आता रहेगा और इधर से ये बैक्टीरिया डाले जाएंगे। तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, बायोकेमिकल जो ऑक्सीजन डिमांड है उसके ऑक्सीजन की जो यहाँ पर मांग है वह कम हो जाएगा। मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन का मांग कम हो जाएगा। तो जब ऑक्सीजन का मांग यहाँ पर कम हो जाएगा तो इससे यह पता चल जाएगा कि जो यहाँ पर सीवेज है, जो यहाँ पर पानी है, गंदा पानी था, उसका उपचार हो चुका है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। और जो एरोबिक बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं इसके इस संयोग को बोलते हैं फ्लोस, इन दोनों के इस संयोग को फ्लोस बोलते हैं। तो यह क्या हुआ, अब जब ऑक्सीजन का डिमांड यहां पर नहीं होगा तो इससे पता चल जाएगा कि यहां पर जो जल अशुद्ध है वह शुद्ध हो गया है। तो इसे क्या करेंगे, यहां से यहां पर ऑक्सीजन का डिमांड खत्म हो गया तो आप यहां से टैंक से जो है स्लज को निकालते हैं। अब यहां पर निकालेंगे तो आप यहां पर एक स्टॉप टैंक में लेकर जाएंगे। पहले क्या जो टैंक था वह कैसा था, वह हिल रहा था, लगातार हिल रहा था। अब इसे स्टॉप टैंक में लेकर जाएंगे तो जो एरोबिक बैक्टीरिया और फंजाई है जिसे फ्लोस बोलते हैं या नीचे पेदी में बैठ जाएगा। और जो यहाँ पर जो जल है यहाँ ऊपरी सतह पर रहेगा इसे बोलेंगे सेकेंडरी इफिलियंट, सेकेंडरी इफिलियंट। और इसे बोलेंगे सेकेंडरी स्लज, इसे बोलेंगे सेकेंडरी स्लज। अब यहाँ पर क्या होगा, यहां पर अब यह आएगा तो ये जो सेकेंडरी स्लज है इसे स्टोर कर लेंगे। अगर और जो वाहिकमल उपचार हैं, जो वाहिकमल आएंगे उनके उपचार में इस सेकेंडरी स्लज का उपयोग कर लिया जाता है। और यहां से जो वाटर का जो ट्रीटमेंट हो चुका है अब इसे क्या करेंगे, बाहर नदी में छोड़ देंगे। तो इस प्रकार के प्रोसेस से वाहिकमल का उपचार किया जाता है। तो यहां तक कौन सा हुआ, यहां तक हुआ फिजिकल ट्रीटमेंट। फिर इसके बाद यहां पर आ गया बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, यहां से लेकर के यहां तक, क्यों, क्योंकि इसमें फंजाई एरोबिक बैक्टीरिया का उपयोग किया गया है। तो यह हो गया बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट और यह हो गया फिजिकल ट्रीटमेंट। फिजिकल ट्रीटमेंट में उसे छानते हैं और इस प्रकार के प्रोसेस होता है फिजिकल ट्रीटमेंट में, और इस प्रकार का प्रोसेस होता है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में। तो आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।